चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस एनसीईआरटी पॉइंट वाइज ठीक है नाउ इस लेक्चर के बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो आपको सॉल्व करने हैं हर लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चन लगेंगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कैसे ठीक है नाउ ये नंबर दिया हुआ एट फोर एट टू जीरो सेवन एट फोर डबल जीरो ठीक है इस पर आप व्हाट्सएप करिए ठीक है इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड हो जाना है उस ग्रुप में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे या मेरा नीट पीडिया ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा आप इजी बात कर सकते हो टेलीग्राम ऐप पे वहां पे आपको नेक्स्ट लेक्चर का शेड्यूल मिल जाएगा ओके okay? और वहाँ पे क्वेश्चंस भी मिल जाएगा और वीकली टेस्ट का जो है शेड्यूल भी टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगा आपको और ये एब्सोल्युटली फ्री है आप वहां पे चल जाए टेलीग्राम ग्रुप पे तो चलिए हम टाइम नाविश करते हुए स्टार्ट करते हैं फोटो सिंथिस ना स्टूडेंट्स फोटो फोटो सिंथेसिस ना फोटो जो है फोटो सिंथेसिस जो है स्टूडेंट्स फोटो जो है एक केमिकल प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस है वर्ड फोटोसिंथेसिस का आप मतलब समझिए फोटोसिंथेसिस वर्ड का मतलब ही है फोटोसिंथेसिस वर्ड का मतलब ही है समथिंग सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ फोटो अब बोलोगे फोटो वर्ड कहाँ से आया सर ये वर्ड फोटोन से आया है ये फोटोवर्ड फोटॉन्स से आया दैट मीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट देयर विल बी समिंग विच सिंथेसाइज्ड ओके कुछ बनेगा नाउ इसको हम लोगों ने बोला है स्टूडेंट्स क्या एक फिजिको केमिकल प्रोसेस कैसा प्रोसेस बोला है यस yes. फिजिको, फिजिको फिजिको केमिकल प्रोसेस एनसीआरटी में हुआ है फिजिको केमिकल प्रोसेस नाउ इस फिजियोकेमिकल प्रोसेस का आप मतलब समझिए फिजिको मतलब फिजिकल प्रोसेस

मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्या होता है इट मैन्युफैक्चर्स इट मैन्युफैक्चर्स फूड ये फूड का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इट मैन्युफैक्चर्स फूड नाउ फूड का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है दैट मींस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन दिस प्रोसेस बिकॉज दिस प्रोसेस मैनुफैक्चर फूड डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली इसी प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं अब बोलोगे सर लायन लायन तो प्लांट खाता नहीं है भैया लायन काउ तो खाता है हिरन तो खाता है ओके डियर तो खाता है ना दीज आर दर्स ये सारे एनिमल प्लांट पर डिपेंड करते हैं अल्टीमेटली मैंने टर्म यूज किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे एनिमल फोटोसिंथेसिस पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करते हैं प्लांट डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड नाउ यहां प्लांट बनाता हूं okay, ये आपका लीफ है नाउ इस लीफ में क्या हुआ ये रहा सीओ टू प्लस वाटर ये रिएक्ट करता है और बनाता है ग्लूकोज सी सिक्स एस ट्वेल्व शॉर्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का लेकिन इसके लिए जरूरत पड़ता है एक और लाइट का और एक एनर्जी सोर्स का जिसको आप लोग सन के नाम से जानते हैं यस yes, सन ये सन जो है लाइट देता है नाउ ये लाइट क्या है यस फॉर्म ऑफ एनर्जी है लाइट एनर्जी नाउ एक चीज और आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान दीजिए ये लाइट एनर्जी को कंज्यूम करता है ये इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए इसके पास एक सिस्टम है एक अलग सा ऑर्गेनेल है एक पिगमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल नाउ भाई साहब ये क्लोरोफिल भाई साहब का काम का क्या है इस क्लोरोफिल भाई साहब का काम क्या है लाइट एनर्जी को लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और सीओ टू वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ना अब यहां आपका बन गया यस अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है आपसे पूछेगा सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ कौन है अल्टीमेट तो प्लांट हुआ ना क्वेश्चन घुमा दिया अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है प्लांट भी ऑप्शन में दिया और सन भी दिया तो हो जाएगा आंसर क्या यस सन सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी नाउ एक बात और आप ध्यान दीजिए लेक्चर खत्म होने के बाद तुरंत आपको मिलने वाला है क्या एमसीक्यू का पीडीएफ फटाफट आप लोग को लगाना है एक भी गलत नहीं होना है नाउ ना सीओटू वाटर रिएक्ट किया बनाया क्या ग्लूकोज ठीक है नाउ ये ग्लूकोज एक्चुअली क्या है ये ग्लूकोज क्या है स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज क्या है कार्बो ये ग्लूकोज क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट है ना ये जो कार्बोहाइड्रेट है यह ग्लूकोज है आपका क्या है कार्बोहाइड्रेट है और आप ध्यान दीजिए ये ग्लूकोज अब ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट पार्ट में क्योंकि लीफ तो मैन्युफैक्चर कर रहा है बाकी पार्ट तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है लेकिन बाकी पार्ट को फूड तो चाहिए अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये ग्लूकोज जो है एक सिंगल सुगर है सिंगल सुगर है दैट इट इट इज इज कॉल्ड कॉल्ड एज एज मोनोमर मोनोमर क्वेश्चन आ सकता है मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है ग्लूकोज नाउ ये कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स डाइमर में मतलब दो मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एक साथ आके अटैच हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स सुक्रोज सुक्रोज ये क्या है आपका डाइमर है नाउ आपका ये जो डाइमर है ये जो डाइमर है आपका ये जो डाइमर है आपका ये आपका ट्रांसपोर्ट होगा ये डाइमर जो होगा आपका ये ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी मान लो आपका ये रूट में आ गया ये रूट में आ गया नाउ अब रूट चाहेगा रूट चाहेगा इसको स्टोर करना रूट चाहता है इसको स्टोर करना इस सुक्रोश को डाइ स्टोर करना चाहता है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको स्टार्स इस में स्टार्स जो है स्टोरेज फॉर्म हो गया यस, yes, कैसा हो गया स्टोरेज फॉर्म हो गया और ये क्या है स्टूडेंट्स ये ग्लूकोज का पॉलीमर है दैट मीन्स बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ आके अटैच हो जाएंगे तो स्टार्स का सिंथेसिस होता, होता है पॉलीमर का सिंथेसिस होता है ठीक है तो ये आपका जो एनसीआर में पहला पैराग्राफ दिया केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है और लाइट का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं फिजिकोकेमिकल प्रोसेस नाउ लाइट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें प्लांट से क्या मिल रहा है फोटोसिथिस फूड सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड है ना हो ये मैनुफेक्चर फूड कर रहा है साथ में ऑक्सीजन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दे रहा है. Means, रहा है। है। फोटोसिंथेसिस दो बेनिफिट मिल एक तो हमें फूड मिल रही है दूसरा हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी मिल रहा है नाउ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट क्या है मोनोमर है मोनोमर को कन्वर्ट कर दिया है डायमर डायमर क्या है ट्रांसपोर्ट फॉर्म इस यहां पे इसको लोड करके यहाँ पे इसको लोड करके

need and all other living organisms depend upon their, on them for their need. <coughs> sorry. green plants carry out photosynthesis this physical chemical process by which they use light energy to drive the synthesis of organic compound. Hai? Yeah, organic compound hai. ultimately, all living forms on earth depend on the sunlight for the energy. a. klein Synthesis photosynthesis is important due to two reasons. one, primary source of all food on the earth. और सेकेंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन द एटमोस्फियर आपके नोट्स में बहुत ही पॉइंट वाइज अरेंज किया गया है ताकि आप इसको इजिली याद कर सकें और मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आपको याद करने में हेल्प हो ओके सब जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी के उसको बोल्ड में कर दिया गया क्योंकि वो चीज आपको बार बार रिवीजन करना है और उसको आपको याद रखना है ठीक है इसको आप नोट डाउन करिए फिर हम आगे बढ़ते तो में आते हैं नाउ अब जो हमें पढ़ना है कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ना है ठीक है हमें अब जो पढ़ना आगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ना है जरा देखिए लीफ लीफ में एक लीफ में एक स्टार्च है है कि नहीं वो हमें चेक करना है। कैसे चेक कर सकते हैं तो आप एक काम करिए एक लीफ को लीजिए एक लीफ को हम लेते हैं ये रहा लीफ इस लीफ को इस लीफ को हम क्या करते हैं इस एरिया में ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं इतने एरिया में हमने क्या किया इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया अब ब्लैक पेपर से कवर करने के बाद फिर इस लीफ को हम यहां से अलग करते हैं इस लीफ को यहां से हम अलग करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं स्टार्स बना है कि नहीं बना है ठीक है नाउ इसको चेक करने के लिए हमको एक केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम आयोडाइड से ही कि काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसलिए मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूं इसको हम चेक करेंगे चेक कैसे चेक करेंगे अब इस लीफ को इस लीफ को हम कलरिंग एजेंट डालेंगे एक एरिया में ध्यान रखिए मार्क करिए हाफ जो था वहां पे क्या था ब्लैक कवर था आपको ध्यान होगा यह एरिया ब्लैक कवर किया गया था दैट मीन्स इस एरिया को अगर ब्लैक कवर किया गया था दैट मीन्स यहाँ पे लाइट नहीं पड़ा होगा अगर यहाँ पे लाइट नहीं पड़ा होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे हो सकता है विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है नाउ अब इसको हम कलर करते हैं ठीक है ये हाफ प्रोसेस है पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको तो आप देखोगे ये वाला जो लीफ है ये वाला पोर्शन जो है लीफ का ये वाला लीफ जो है वो ब्लूइस ब्लैक हो जाता है यस yes. ये कैसा हो जाएगा आपका ब्लूइस ब्लैक ये कैसा हो गया आपका ब्लूइस ब्लैक नाउ ये ब्लूइस ब्लैक हो गया और जिस एरिया में जिस एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ वो एरिया वो एरिया ऑरेंज रह जाता है वो एरिया कैसा हो जाता है ऑरेंज कलर हो जाता है ठीक है ये एरिया ब्लू ब्लैक हो गया और ये जो हो गया आपका कैसा हो गया ऑरेंज कलर हो गया समझ में आया तो ये कंसेप्ट कई जगह यूज होगा जैसे आपको भी मैं पढ़ाता हूं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ठीक है नाउ हाफ हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट ये हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसको मोल्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं हम लोग यस मोल्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं ये हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट देखिए क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नाउ हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक सॉल्यूशन लिया QH, QH का, का काम होता सीओ टू को एब्सॉर्ब कर देना ज का भाई साहब क्या काम होता है सीओ को एब्जॉर्ब कर लेना मान लीजिए ये प्लांट है ये एक प्लांट है ये लीफ है इस इस प्लांट को ठीक है हाफ लीफ को हाफ लीफ को हमने एक बड़े से बीकर में डाल दिया एक एक बड़े से बीकर में डाल दिया हमने ये बीकर में हमने डाल दिया नाउ इस बीकर में ऑलरेडी आपको पता होगा पता होना चाहिए इस बीकर में ऑलरेडी क्या हमने ले लिया है इस बीकर में हमने ले लिया है क्या के सोल्यूशन के ओ एच सोल्यूशन ये के ये के ये के सॉल्यूशन सोल्यूशन जो है ये क्यूएच सोल्यूशन क्या है यहां पे जितना भी सोटू था सबको ये क्या कर लेगा एब्सॉर्व सारे CO2 को सारे CO2 को ये KOH सॉल्यूशन क्या कर लेगा अब्सॉर्ब कर लेगा समझ में आया नाउ नाउ दैट मींस अगर यहाँ पे और हमने सनलाइट ले लिया है ठीक है सनलाइट है सब कुछ है क्लोरोफिल है वाटर है सब कुछ है नाउ सिर्फ CO2 नहीं है दैट मींस अगर CO2 नहीं होगा ये एरिया जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा ये एरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा नाउ अब क्या करेंगे इसको हम टेस्ट करते हैं स्टार्स के लिए ठीक है जब आप टेस्ट करोगे स्टार्स के लिए तो देखोगे लीफ का वो पोर्शन जो बीकर के अंदर था जो बीकर के अंदर था उसका कलर कैसा होगा स्टूडेंट्स ऑरेंज कैसा होगा ऑरेंज दैट मींस निगेटिव फोर, निगेटिव फोर स्टार्स डेट मीनस निगेटिव फोर स्टार्स और ये वाला जो होगा ये वाला जो होगा ये कैसा कलर होगा यस ब्लू ब्लैक होगा ब्लू ब्लैक होगा दैट मीन्स दिस विल शोज पॉजिटिव फोर स्टार्स दैट मीन्स मोल्स एक्सपेरिमेंट का मोल्स एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या हुआ यस yes, यहां पे सीओ टू कर दिया इसलिए स्टार्स नहीं मेरा दैट मीन्स ये बोलता है यस yes, सीओ टू सीओ टू इज एसेंशियल फॉर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस CO2 सीओ टू इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस मोल्स एक्सपेरिमेंट यही कहता है ओके okay. जरा आप अपना नोट्स देखिए ठीक है थीके? क्या लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट टू लुक द स्टार्च फॉर्मेशन इन टू लीव्स ए वर्गेटेड लीफ ले सकते हो वर्गेटेड लीव्स क्या होता है ये आप एनसीईआरटी में लिया हुआ है हमने आए, हमने शुरू में क्या किया है हमने शुरू में क्या किया स्टूडेंट्स हमने शुरू में क्या किया है इसको कवर कर दिया है अगर आप वर्गेटेड लीफ लेते हो वर्गेटेड लीफ कहने का मतलब होता है Virgator, मतलब होता है कुछ पैची एरिया होगा पूरा लीफ ग्रीन होगा लेकिन कुछ एरिया ग्रीन नहीं होगा येलो होगा दैट मीन्स यहाँ पे पिगमेंट एबसेंट है डेट मीन्स यहाँ पे पिगमेंट एबसेंट है डेट मीन्स यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा जब आप इसको पोटेशियम आयोडाइड से टेस्ट करोगे पोटेशियम आयोडाइड से टेस्ट करोगे तो ये एरिया जो होगा वो ऑरेंज होगा ये एरिया जो होगा वो ऑरेंज होगा ये एरिया जो है वो ऑरेंज होगा और बाकी जो होगा एरिया यस फोटोसेंसिस जहां हो रहा है वो ब्लू ब्लैक होगा दैट मीनस फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको चेक करने के लिए हम लोग वेरिगेटेड लीव भी यूज कर सकते हैं या ब्लैक पेपर से कवर भी कर सकते हैं ओके वेरिगेटेड लीव और अ लीव दैट वाज पार्शियली कवर्ड विध ब्लैक पेपर एंड वन दैट वाज एक्सपोज्ड टू लाइट

ठीक है नाउ यहां पे हम बात करते हैं प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट को ठीक है नाउ साइंटिस्ट थे प्रिस्टली प्रिस्टली के ऊपर भी आपको क्वेश्चन दिया गया है प्रिस्टली ने क्या देखा एक अगर ये आप देखो प्रिस्टली ने देखा एक बेल जार में इसको बेल जार एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं अगर एक बेल जार में हम चूहे और कैंडल को दोनों को रख दें आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम कैंडल बुझ जाएगा और ये चूहा भी मर जाएगा ठीक है ऐसा क्यों इन्होंने बोला कि ये एयर जो होता है पोइजनस हो जाता है पोइजनस हो जाता है इसको बोला इन्होंने फाउल एयर फाउल एयर ओके लेकिन अगर उसी बेलजार में अगर उसी बेलजार में हम ग्रीन प्लांट भी रखते हैं तो ग्रीन प्लांट भी रखते हैं तो ये जो फाउल एयर होता है ये प्यूरिफाई कर दिया जाता है दैट मीन्स प्लांट प्यूरिफाई द एयर और ये दोनों जो है कैंडल भी जला रह जाता है और ये अब ना साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्या है एक्चुअली इस बेलजार में कहीं से एयर नहीं आ रहा था O2 O2 जो था था लिमिटेड ये भी कंज्यूम कर रहे थे O2 ये भी कंज्यूम कर रहा था जब O2 खत्म हो गया आपको पता है ऑक्सीजन सपोर्ट द इन्फ्लेमेशन ठीक है ये को सपोर्ट करता है चलेगा इन्फ्लेमेबल होगा ओके तो ये सपोर्ट किया तब तक जब तक था तो सपोर्ट किया जैसे बुझ गया तब तक वो ये भी बुझ गया कंडल बुझ गया और ये चूहा मर गया क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है लेकिन यहां पे प्लांट क्या कर रहा है कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन प्रोड्यूस किए जा रहा है किए जा रहा है इसलिए कैंडल अभी भी चल रहा है और ये चल रहा है ठीक है क्वेश्चन आ सकता है कौन सा प्लांट यूज किया था उन्होंने यस मिंट प्लांट